सुनो जी, आपने पहले से इतनी दारू पी रखी है, आप फिर चल दिए दारू पीने के लिए। आपको थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं है? इस मोहल्ले में हमारी एक पैसे की इज्जत नहीं रही, समझ गए आप? और घर में बच्चे जवान हो रहे हैं, आपको कुछ पता भी है? घर में राशन भी नहीं है खाने के लिए। अब तुम बताओगी मुझे मुझे क्या करना है, नहीं करना है, हैं? आपको शर्म नहीं है थोड़ी बहुत? हैं, जवान बेटे पे हाथ उठाते हो, अगर उसने कुछ कर लिया फिर क्या कर लोगे आप? बस मम्मी बस, अगर मेरी जगह आज आप होते तो। अरे जिस घर में औरत पर हाथ उठता है ना पापा, वो घर घर नहीं होता। अरे छोड़ो मम्मी, कुछ बदलने वाला नहीं है, डेली डेली का वही कलेश। परेशान मत हो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। भगवान सबकी सुनते हैं, भगवान हमारी भी सुनेंगे बेटा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है। भैया आपसे एक बात पूछूं? हाँ अक्षरा पूछो। ये सब कब तक चलेगा? मतलब पापा डेली डेली घर पीकर आते हैं, पापा छोड़ क्यों नहीं देते पीना? आपको पता है सब पूछते हैं कि तेरे पापा क्या करते हैं, उनको क्या बोलूं कि पापा सिर्फ सारा दिन घर पे रहते हैं और दारू पीते हैं। उसकी टेंशन तुम मत लो बेटा, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत बड़ा बनना है। जो टाइम मैंने अपनी जिंदगी में देखा है वो आप लोगों को बिल्कुल भी ना देखना पड़े। और रही बात स्कूल में बच्चों की तंग करने की, तुम्हारा स्कूल ही चेंज करवा दूंगी मैं। बस करो जी बस करो, आपने मेरी जिंदगी तो खराब कर ही दी है, कम से कम अपने बच्चों की तो ना करो। अपने लड़के की ओर देखो जरा, क्या हालत हो गई है उसकी। खाना भी नहीं खाता वो ठीक से, सुबह का निकला रात को आके घुसता है घर में। अरे मैं पीता ही तो हूँ, अपने पैसों की ही तो पीता हूँ, किसी को परेशान थोड़ी कर रहा हूँ। पापा क्या है ये सब, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अरे आपकी वजह से अक्षरा को स्कूल छोड़ना पड़ रहा है। आप डेली मम्मी से लड़ाई करते हो, कभी आपको रोड से, कभी बाहर से, और कभी कभी तो पूरी रात ढूंढ कर लाना पड़ता है। आप साबित क्या करना चाहते हो? छोड़ो ना बेटा। क्या छोड़ो मम्मी, अरे माना बिजनेस में लॉस हो गया, इसका मतलब ये है क्या कि उस फेलियर की वजह से ये पूरा दिन ऐसे करेंगे? दुनिया के बच्चों को कहते हैं वो नालायक, वो ना। मेरे तो पापा, पापा जिस घर में जवान बेटी होती है वहां पर पापा को, भाई को और ज्यादा जिम्मेदार हो जाना चाहिए। वो शर्मा अंकल जी, वो डेली मुझे पता नहीं कैसी कैसी बातें कहते हैं, मैं उनसे आंखें नहीं मिला पाता। पापा मैं करूं ये सब? मैं डेली दारू पी के आऊं? नहीं, मेरे को भी लेके आना आप रोड से ऐसे ही। गलत है पापा, क्या बोलते तेरे वो दोस्त, बता। अरे बता सोनू, अगर आज नहीं बताया ना तो जिंदगी भर रिग्रेट करेगी, बोल जल्दी। पापा बुरा मत मानना, पर मेरे सारे फ्रेंड्स आपका बहुत मजाक बनाते हैं। वो कहते हैं कि तू बेवड़े की बेटी है, आप छोड़ क्यों नहीं देते ये सब? पापा प्लीज। पापा मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज इस मासूम की गलती क्या है हमारे लिए, प्लीज हमारे लिए ये सब छोड़ दो। वरना मैं बता रहा हूँ पापा, सच में मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा और जिंदगी भर आप सब रिग्रेट करोगे। बैग दो माँ। कुछ बदलने वाला नहीं है इस घर में, चल। अब कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? चिंता मत करो, आज नए दिन की शुरुआत के लिए अपने काम पर जा रहा हूँ, शराब पीने नहीं जा रहा हूँ। और सुनो आकाश बेटा, मैं तुम्हारा बैग लेकर जा रहा हूँ ऑफिस, कल मेरे लिए नया लेकर आ जाना। ठीक है पापा। और हाँ, अब से मैं खुद ही घर आ जाऊंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और बेटा तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। Thank you.